वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का वीडियो हर बार की तरह बहुत ज्यादा स्पेशल और बहुत ज्यादा मार्केटिंग रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MBA इन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। जी हाँ, एक ऐसे कोर्स के बारे में जहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हर एक चीज आप इसमें सीखते हो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ड्यूरेशन के बारे में, कितने साल का ये कोर्स होता है, एलिजिबिलिटी कैसी रहती है, कौन से स्टूडेंट्स इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस कैसा रहता है, मेरिट बेस्ड का एंट्रेंस एग्जाम, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसको आप क्लियर करके टॉप कॉलेज में आप अपना एडमिशन आप करवा सकते हो, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। कुछ कोर्स फीस के बारे में बताने वाला हूँ कि इस कोर्स की आपकी टोटल फीस आपकी कितनी लगेगी, स्टार्टिंग सैलरी के बारे में बताऊंगा कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी कैसी लगेगी, सब्जेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ जॉब प्रोफाइल के बारे में बताने वाला हूँ कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आप कौन से जॉब प्रोफाइल पर आप काम करोगे, रिक्वायरिंग एरियाज के बारे में बताने वाला हूँ कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आप कौन से एरियाज में आप काम करोगे, कुछ कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा कि ऐसे बहुत सारे कॉलेज है जो ये कोर्स को वो प्रोवाइड करवाती हैं, कुछ टॉप रिक्वायर्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि ऐसे बहुत सारे रिक्वायर्टर्स है जो MBA इन डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को वो हायर करते हैं, और ये बहुत सारे चीज़ें रिलेटेड टू MBA इन डिजिटल मार्केटिंग इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको पूरा देखना है बिना किसी स्किप करने के। तो जैसा कि आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं MBA इन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, जो एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का एक कोर्स है, तो चलिए इस कोर्स को अभी हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो इसका ड्यूरेशन कैसा रहता है, तो देखिए ये जो पूरा कोर्स है 2 साल का वैलिड डिग्री फुल टाइम कोर्स है, 2 साल में इसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हर एक चीज 2 साल में इसमें आपको सीखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। देखिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपने अपनी बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से आपने क्यों ना की हो, आपके पास बैचलर डिग्री में 45% से लेकर 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। देखिए इसकी जो पूरी एडमिशन है वो एंट्रेंस बेस्ड थ्रू होती है, मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल कॉलेज है जो अपना एंट्रेंस एग्जाम वो कंडक्ट करवाती हैं, उन एंट्रेंस एग्जाम को आप क्लियर करके टॉप कॉलेज में आप अपना एडमिशन आप करवा सकते हो। आगे बात करते हैं कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए कैट, मैट, सी मैट, जी मैट, स्नैप जैसे ऐसे कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसको आप क्लियर करके टॉप बेस्ट कॉलेज में आप अपना एडमिशन आप करवा सकते हो। आगे बात करते हैं कोर्स फीस के बारे में। देखिए आपकी जो पूरी कोर्स की फीस है वो 4 लाख से लेकर 15 लाख तक आपकी कोर्स फीस जा सकती है, ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और उनके पढ़ाने के स्टाइल के ऊपर। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में आप अपना एडमिशन करवाते हो तो आपकी कोर्स फीस कम भी जा सकती है, पर अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप अपना एडमिशन करवाते हो तो आपकी कोर्स फीस और भी ज़्यादा बढ़ भी सकती है। आगे बात करते हैं सैलरी के बारे में। इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी कैसे लगेगी, देखिए आप 3 लाख से लेकर 18 लाख तक आप कमा सकते हो। जैसे जैसे आपके रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। अभी हम आगे बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में कि इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें आपको बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग के बारे में इसमें आपको सिखाया जाएगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में इसमें आपको बताया जाएगा, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ईमेल मार्केटिंग, डिजिटल ब्रांडिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजिन मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्रांड प्लानिंग जैसे ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें आपको सीखने को मिलेंगे। तो ये था सब्जेक्ट्स के बारे में। अभी हम आगे बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद में आप कौन से जॉब प्रोफाइल पे आप काम करोगे। तो देखिए आप ब्रांड मैनेजिंग के तौर पे आप काम कर सकते हो, प्रोडक्ट इनोवेशन के तौर पे आप काम कर सकते हो, रिसर्च एनालिसिस, सेल्स एंड मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, SEO एनालिस्ट, गूगल एडवर्ट स्पेशलिस्ट, ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, जैसे ऐसे कुछ जॉब प्रोफाइल है जिनमें आप काम कर सकते हो इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद में। तो ये था जॉब प्रोफाइल के बारे में। अभी हम आगे बात करते हैं रिक्वायरिंग एरियाज के बारे में कि इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद में आप कौन से एरियाज में आप काम करोगे। देखिए आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के एरियाज में आप काम कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स के एजेंसीज के एरियाज में आप काम कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स, इंटरनेट टेक्नोलॉजी बिजनेस, IT कंपनीज, स्टार्टअप्स, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं आप जिन एरियाज में आप काम कर सकते हो इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद में। तो ये था रिक्वायरिंग एरियाज के बारे में। अभी हम आगे बात करते हैं टॉप कॉलेज के बारे में जो इस कोर्स को वो प्रोवाइड करवाती है। देखिए ITM बिजनेस स्कूल जो आता है मुंबई में, बेनेट यूनिवर्सिटी जो आता है ग्रेटर नोएडा में, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो आता है कोलकाता में, लोयोला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो आता है चेन्नई में, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी जो आता है बेंगलोर में, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो आता है हैदराबाद में, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी जो आता है पुणे में, JK लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी जो आता है जयपुर में, पारुल यूनिवर्सिटी जो आता है गुजरात में,
ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी जो आता है देहरादून में। तो ये थे कुछ टॉप कॉलेज, अगर आपका इन टॉप कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आगे जाके आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अभी हम आगे बात करते हैं टॉप रिक्वायर्स के बारे में जो इस कोर्स के स्टूडेंट्स को वो हायर करते हैं। तो देखिए, गूगल, ओप्पो, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, एल जी, एप्पल, अमेजोन, जेनपैक्ट, एचपी और एसेंचर जैसे ऐसे कुछ टॉप रिक्वायर्स हैं जो एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को वो हायर करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ड्यूरेशन के बारे में मैंने आपको बताया, एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, कोर्स फी, स्टार्टिंग सैलरी, सब्जेक्ट्स, जॉब प्रोफाइल, रिक्वायरिंग एरियाज, कॉलेजेस, टॉप रिक्वायर्स, हर एक चीज रिलेटेड टू एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग इस वीडियो में मैंने आपको बताया। आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही करियर रिलेटेड वीडियोस में बनाता रहता हूं। फिर मिलते हैं किसी अगली नए करियर ऑप्शन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।